क्योंकि पहले कोशिश ये थी कि अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में पीड़ित परिवारों से मैं भेंट कर रहा हूं, ये दुर्घटना ऐसी है जो अंदर से हिला देती है। आज जितने यहाँ से गिर जा रही और अपने यहाँ से गिर रही थी एमएस चलती जा रही, मैंने बहते हुए देखे हैं तो एमएस चलती जा रहा है सर, सीधे जा रहा है। तो मैं यहाँ रुक कर ऐसा लगा जैसे हमारे यहाँ से सूख है, कई परिवार अपने बुढ़ापे की लाठी के सहारे खो चुके, एक परिवार में ऐसा जिसमें केवल एक बुजुर्ग बचे बाकी सब चले गए, वो जो व्यथा है वो अंतरात्मा को झकझोर कर आज तीन चीजों पर पूरी तरह से ध्यान देने का हमने फैसला किया है। पहली चीज वो परिवार जो प्रभावित है, हम उनके ऐसे सदस्य जो उनके बीच नहीं रहे उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार को पूरी तरह साथ हम दे पाए इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जब 7-7 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने का काम चल रहा है, लेकिन मैंने ये निर्देश भी दिए कि परिवारों की और योग्य व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं उसकी सूची हमारे जनप्रतिनिधि साथीगण और प्रशासन बनाएगा, चाहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, रोजगार का इंतजाम हो, काम धंधे का प्रबंध हो, जिस परिवार की जैसी स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन पूरी तरह से सरकार इन परिवारों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है, इसका भी उत्तर हमको खोजना पड़ेगा। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम एजीएम मैनेजर जितने उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बाकी चीजें कैसे ठीक होगी उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62, और इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं, और भी अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाएगा। तो प्रशासन क्यों नहीं चेता? वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यह भी मैं निश्चित करूंगा। हाँ, ये जरूर मैं प्रशंसा करूंगा कि राहत और बचाव कार्य में तत्परता दिखाई, इस
उसमें पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तत्परता के साथ कार्रवाई हुई है। मैं तो लगातार 8 बजे से ही सवेरे यहाँ जुड़ा हुआ था और लगातार बात कर रहा था। मैं कल केवल इसलिए नहीं आया कि मेरे जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित ना हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आ गया तो बाकी काम में बाधा होती, नहीं तो मैं कल ही आ जाता। इसलिए हमारे 2 मंत्री साथी आए थे, तुलसी सिलावट जी और राम खिलावन पटेल जी। राम खिलावन जी कल से ही मिले और उसमें भी बेटी शिवा रानी ने और लव कुश लूनिया शिवरानी और सत्येंद्र शर्मा सिविल एविएशन के हमारे कर्मचारी थे, उन्होंने अद्भुत काम किया है। इन तीनों को भी 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को बचाए वो अभिनंदनीय है। और प्रशासन के भी जिन लोगों ने, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस के जवान हो, जिन्हें अच्छा काम किया उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे, उनकी भी सूची मैंने मांगी। लेकिन जिनने गड़बड़ जिनसे हुई है, जानबूझ के हुई हो, लापरवाही से हुई हो, उनको सजा भी भुगतनी